कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उदयपुर हत्याकांड के लिए पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ कश्मीर से आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए तालिब का बीजेपी कनेक्शन निकलने पर मेहरा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज अहमद और गौस मोहम्मद का कनेक्शन राजस्थान भाजपा के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ जुड़ा होना पाया गया है और साथ ही साथ कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए तालिब का कनेक्शन भी भाजपा से है। ऐसे में उन्होंने दोनों घटनाओं से आतंकी कनेक्शन की जांच किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। जब मैं वर्कर्स से बात करता हूं तो ऐसी घटनाओं से निश्चित ही वर्कर्स में थोड़ी चिंता दिखाई देती है और मैं उस चिंता से माननीय हरीश रावत जी को, माननीय प्रीतम सिंह जी को अवगत कराऊंगा कि लोगों का ये कहना है। और मैं जानता हूं कि दोनों कांग्रेस के मजबूत नेता हैं और दोनों ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय कांग्रेस की सेवा में लगाया है। मुझे भरोसा है कि वो इस चिंता को समझेंगे।